सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एक बेस्ट लेवल का वन शॉट मारने के लिए कभी भी गाइस यार एक परफेक्ट लेवल की सेंसिटिविटी होना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो यस गाइस यार, इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया कि आप लोग किस तरीके से ओबी 30 के बाद एक बेस्ट लेवल की सेंसिटिविटी रख सकते हैं। नहीं गाइस यार, ऑलमोस्ट अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो गाइस यार इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे मोबाइल की सेटिंग्स को भी कवर किया है, जिनको अगर आप लोग अपने गेम के अंदर अप्लाई करते हो तो काफी ज्यादा इजिली तरीके से आप लोगों को वन शॉट लगेंगे एंड फास्टेड मूवमेंट एंड फास्टेड ग्लू वॉल भी मार पाओगे। तो चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सो गाइस सर, कभी भी एक परफेक्ट लेवल की सेंसिटिविटी रखने के लिए वो मैटर करता है आप लोगों का डिवाइस हाई डिवाइस है या फिर लो डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे गाइस यार लो डिवाइस वाले लोग। सर अगर आप लोगों का लो डिवाइस है तो अपनी सेंसिटिविटी को 100 पे ही रखना है। एंड ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओबी 30 के बाद यूट्यूब पे सर्च मारते हैं अपनी सेंसिटिविटी चेंज करना चाहिए या नहीं। एंड ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं बता दूं, कभी भी गाइस यार अपनी सेंसिटिविटी को चेंज नहीं करना है। एंड आप लोग अगर एक परफेक्ट लेवल की सेंसिटिविटी रखते हो तभी आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट लगेगा। कभी भी गाइस यार अपने जनरल या फिर रेड डॉट को या फिर 4x स्कोप 2x स्कोप को 100 पे ही रखना है, तभी जाके आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट लगेगा एंड इजीली तरीके से फास्टेड मूवमेंट कर पाओगे। एंड वही बात कर लीजिए हाई डिवाइस वाले लोग के लिए, तो कभी भी गाइस यार हाई डिवाइस वाले बंदे को कभी भी हाई सेंसिटिविटी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप लोग हाई सेंसिटिविटी रखोगे तो गाइस यार आप लोगों के फास्टेड लेवल का मूवमेंट होने लगेगा। एंड फास्टेड मूवमेंट होने के साथ साथ आप लोगों को इसका डिसएडवांटेज कब पड़ता है, आप लोग कभी भी गाइस यार वन शॉट नहीं मार पाओगे। तो कभी भी गाइस यार अपनी सेंसिटिविटी को 80 या फिर 85 तक कनेक्ट करना है एंड कोशिश करना है कि आप लोगों को सारी सेंसिटिविटी एक परफेक्ट लेवल पे ही रखना है। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को सेंसिटिविटी फ्री फायर की समझ में आ गई रहेगी। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं मोबाइल सेटिंग के ऊपर। आप सीधा आप लोगों को चले जाना अपने मोबाइल सेटिंग के अंदर। एंड यार मोबाइल सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को ढूंढना है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, एंड उसके ऊपर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना है। एंड आप लोगों को क्लिक कर देना है मोर वाली सेटिंग के ऊपर। एंड जैसे ही आप लोग मोर वाली सेटिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा रिफ्रेश रेट। यार यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएगा 90Hz एंड यार 60Hz। एंड ऑलमोस्ट हर प्लेयर का 60Hz पहले से रहता है, तो आप लोगों को क्लिक कर देना 90Hz पे। इसको ऑन करने से क्या होगा गाइस यार, आप लोगों का इजीली तरीके से ब्राइटनेस एंड यार इजीली तरीके से स्मूथ गेम प्ले चलेगा एंड जिससे आप लोगों का लैग प्रॉब्लम भी नहीं होगा एंड इजीली तरीके से आप लोगों का ड्रैग एंड यार इजीली तरीके से वन शॉट लगेगा। सो गाइस यार यहां पे मोबाइल सेटिंग नंबर 2 आता है डेवलपर ऑप्शन। जस्ट आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन में गाइस चले जाना है एंड यार यहां पे आप लोगों को ढूंढना है ग्राफिक ड्राइवर। एंड जस्ट यहां पे आप लोग जैसे ही आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे आप लोगों को ग्राफिक ड्राइवर मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे जस्ट आप लोगों को फ्री फायर को ढूंढना है। एंड फ्री फायर को ढूंढने के बाद आप लोगों को पर क्लिक कर देना है। एंड हर प्लेयर का डिफॉल्ट पे होता है, तो गाइस यार जिन बंदों का इजीली तरीके से वन शॉट नहीं लगता है आप लोगों को डिफॉल्ट से हटा के सीधा गेम ड्राइवर ग्राफिक पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यार इस सेटिंग को ऑन करने से आप लोगों का जो मोबाइल का जो ग्राफिक हो काफी ज्यादा ओपी लेवल का हो जाएगा एंड यार एक स्मूथ लेवल का आप लोगों का रन का कैरेक्टर रन करेगा। सो गाइस यार यहां पे टिप नंबर 3 आता है गेम एडिशनल सेटिंग। सो गाइस यार यहां पे मोबाइल सेटिंग 3 आता है एडिशनल सेटिंग। जस्ट यार आप लोगों को एडिशनल सेटिंग पे अपने क्लिक कर देना है एंड यार एडिशनल सेटिंग के क्लिक करते ही आप लोगों को जस्ट नीचे की तरफ चले जाना है एंड यार लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा पॉइंटर स्पीड। एंड वहां पे मिलने के बाद आप लोगों को जस्ट यार पॉइंटर स्पीड को पूरी तरीके से हाई कर देना है। एंड इसका हाई करने से ये होगा कि गाइस यार आप लोगों का एक ओपी लेवल का टच रिस्पांस काम करेगा, यानी कि जैसे ही आप लोग टच करोगे इजीली तरीके से आप लोगों का टच रिस्पांस डिस्प्ले काम करेगा। टिप नंबर 4 सेटिंग आता है, ये भी आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। आप लोगों को जस्ट डेवलपर ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है एंड उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। एंड नीचे की तरफ आते ही माना आप लोगों को मिल जाएगा विंडो एनिमेशन स्केल एंड इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसको बाद वहां पे 1x को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप लोगों को जस्ट बैक कर देना है। एंड बैक करने के बाद जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है ट्रांजिशन एनिमेशन जूम पर एंड इसको भी क्लिक करने के बाद 1x पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर से आप लोगों को बैक कर लेना है, फिर उसके बाद एनिमेटर ड्यूरिंग स्केल पे क्लिक करना है एंड इसको भी 1x पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब इसको सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो भी गेम होगा बहुत ही स्मूथ लेवल का चलेगा, जिससे यार आप लोगों का हाई लेवल का मूवमेंट एंड स्मूथ लेवल का सीटअप ग्लूअल एंड इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लगेगा। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही।